बहुत दुख की बात है कि आतंकवादियों ने हमारे देश के जवानों पर हमला कर दिया। बेचारे जवानों को घर में कैसे कैसे उन सब के घर में क्या सा हो रहा होगा, क्या होगा, उनकी माँ को पता चला होगा तो क्या उनके ऊपर क्या बिजली होगी। अपने बच्चे को जब बाहर देश की सेना में भर्ती करते हैं, अपने सिरे पर पत्थर रखकर भेजते हैं, फिर उनके साथ ऐसा हमला हो जाता है, तब बहुत उनकी वजह से ही हम सब हिंदुस्तानी हैं, सब हिंदुस्तानी उनकी वजह से ही हम आराम से सोते बैठते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और ये बहुत बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। और तो मैं क्या कहूँ, बूढ़े माँ बाप उनके इंतजार में बैठे हैं, उन वो कैसे करेंगे, मुझे तो ये सोचना आ रहा, उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे, क्या होगा, उनको सारी दुनिया ही खत्म होगी उन सब के लिए, जिन जवानों की पत्नियां सब इंतजार कर रही होंगी। बहुत दुख का समय है ये। पर सरकार को भी कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, जो भी आतंकवादी है उन्हें ढूंढ ढूंढ के उनसे पूरा हिसाब दें। बेचारे घरों में क्या हो रहा होगा। खैर, हमारे देश का गौरव है थे वो, उनकी वजह से हम लोग इतने सेफ्टी से अपने घर में रह सकते हैं और रहते भी हैं। हाँ है, उनकी वजह से रह रहे हैं तो उनके वजह कौन। से ही हम इतने सेफ्टी फील करते हैं। और 42 लोग, मुझे तो सिर्फ एक चीज पे अफसोस आ रहा है, सिर्फ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। कुछ टाइम पहले एक डेथ हुई थी दानिश जहन की, सब लोगों ने कितना वीडियो बनाया उनके ऊपर, कितना मतलब दुख जताया। अभी तक आपने किसी को भी देखा है उनके ऊपर वीडियो बनाता हुआ, जिन लोगों ने हमारे लिए, जो मर गए जिन्हें हम श्रद्धांजलि 2 मिनट की, उन लोगों को हम श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते। और वो तो वो लोग हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए गए हैं। सबको मिलकर कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाना चाहिए। वैसे भारत सरकार करेगी कुछ, अब मोदी जी भी कह रहे हैं कि उनसे बदला लिया जाएगा, मगर जो भी आतंकवादी है उनके साथ बदला जरूर लिया जाना चाहिए। यही बोलना है कि सब लोग प्लीज उनके लिए 2-2 मिनट की श्रद्धांजलि दें, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, जिन लोगों ने इतना सब कुछ किया है हमारे लिए। उनकी फैमिली के बारे में सोच के बहुत बुरा लगता है कि उनकी फैमिली कैसे करेगी, क्योंकि उनके लिए वो लोग सब कुछ होंगे। और मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक जवान तो अपनी वाइफ से बात कर रहा था जब बम गिरा था, तब व्हाट्सएप पे सबके पास फोटो आ जाती हैं, मेरे पास भी है, मुझे खुद, मैंने वहां की फोटो देखी है। घर में बैठे बैठे हम ऐसा मतलब महसूस कर रहे हमें हैं, जब हम घर कैसे में जाए। बैठे बैठे हमें खुद को ऐसा महसूस हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, जिनके साथ ये हुआ है, जिनकी वो फैमिली है, उन पे क्या बीत रही होगी, उनके बारे में सोच के बहुत वो आता है। अब चाहे सरकार कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, जिसका जो जाना था वो तो चला गया, वो तो अब नहीं आएगा। खैर, हमारे देश के नौजवान हैं, सैनिक हैं, बहुत दुख करते हैं। हम यहाँ अपने अच्छे से सब कल वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहां पे वो लोग अपनी फैमिली से दूर। सब जवान देश की रक्षा कर रहे खड़े होकर, सर्दी हो गर्मी हो सब जगह बस पहरे पे खड़े रहते हैं। ऐसे जब तक यहाँ सब आराम से बैठते हैं, सब अपने अपने घरों में बैठते हैं। सब उन्हीं की वजह से ही है और किसी की भी वजह से नहीं है कि हम हर फेस्टिवल इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और वो सब चीज़ छोड़ के, फिर भी अपने परिवार को छोड़ के, हमारे घर में एक आदमी भी अगर मिस होता है ना,
तो ऐसा लगता है कि भाई वो नहीं है सेलिब्रेट, अच्छा नहीं होगा। उन्हें सोचो जो कभी होते ही नहीं है, वो हमेशा देश की सेवा में लगे रहते हैं, जिससे हम सब लोग अपने घरों में अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। देश के लिए कुर्बानी दी है उन्होंने। सही है, हम सब लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, 2-2 मिनट की श्रद्धांजलि उन्हें प्लीज दीजिए। इससे ज्यादा अब इससे ज्यादा नहीं बोला जा रहा। उन सब के लिए हम हमारे तरफ से मोहनदास करेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार का सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखे। हाँ अगर हम किसी को, उनमें से किसी को भी जानते हैं, कहीं के भी हो कोई हो, तो उनकी मदद करें, उनके परिवार का सहयोग करें, बस यही है। और वो सब लोग उनकी आत्मा को शांति की दुआ करें, क्योंकि वो भी किसी के बेटे, किसी के पति, बच्चे, सब कुछ थे। सही बात।